एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीआर सेकंड पेपर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऑलरेडी मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे एमसीक्यू भी करा चुके हैं, थ्योरी सेशन भी अपलोड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर हम बात करें 1881 की, तो एक ऐसा एक्ट है टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आया ईयर याद रखिएगा 1881 में। कल थ्योरी सेशन में मैंने इसको डिटेल में समझाया है आपको, वो भी आप देख सकते हो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 1881 एक ऐसा एक्ट है जो कि एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है जो एक राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन तरह के होते हैं, जिसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्रोमिसरी नोट भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी और चेक भी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन है बैंकर में क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। पहला है एनी बैंकर एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बी है एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सी है एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। की डी है एनी पर्सन एक्टिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो बैंकर में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोमिसरी नोट। ए है ए एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेप्ट टू बी 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। कि बी है मिस्टर बी आई ओ रुपीज 1000 एंड आई प्रोमिस टू पे बी ऑन ऑर्डर ऑफ रुपीज 500 एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन सा कह रहा है प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कोई चीज़ क्या है वैलिड नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इन प्रोमिसरी नोट हाउ मेनी पार्टीज आर एम्प्लॉयड। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, 1, 2, 3 की 4, तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं आपकी इसमें प्रोमिसरी नोट में। नेक्स्ट है 5 नंबर विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द प्रोमिसरी नोट। इट कंटेन कंडीशनल अंडरटेकिंग, मैंने कल पढ़ाया है। इट कंटेन्स द अमाउंट मेंशन्ड ऑन इट। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन, इट इज़ साइन बाई द मेकर। तो कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इट कंटेन्स अनकंडीशनल, ये अंडरटेकिंग होता है, यहाँ पर कंडीशनल दिया है, नॉट पूछा, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड टू ओनली टू कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट्स। बी है द होल ऑफ इंडिया। अगर मेरी थोड़ा मैं स्पीड मेरी तेज है तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप देख लेना, ठीक है। ओनली कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट, द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरीज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, होल ऑफ इंडिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को एक्सटेंड करता है। वट इज द प्रोमिसरी नोट, भाई प्रोमिसरी नोट होता क्या है। ए ने प्रोमिस किया बी को टू डिलीवर हिम बाई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। बी है ये प्रोमिस टू पे बी रुपीज 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। सी है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेप्ट टू बी इन रुपीज 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। कि डी हाई प्रोमिस टू पे रुपीज 500 ऑन डी डेथ्स प्रोवाइड टू डी लिव्स विद एनफ टू पे दैट सम। तो प्रोमिसरी नोट का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेप्ट टू बी रुपीज 1000 टू बी पे ऑन डिमांड। सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किससे डील करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, होल्डर इन ड्यू कोर्स, चेक की प्रोमिसरी नोट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, चेक जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, इसको डिफाइंड किया गया है किसके तहत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसको डिफाइन किया गया है ऑप्शन नंबर ए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में तीन चीज़ें डिफाइन की गई हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है, सेक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ऑल इंटरिम कंपनसेशन विच इज पेबल अंडर सेक्शन 143A में बी रिकवर एज इट वेयर अ फाइन, एज इट इज अ डिक्लेयर ऑफ अ कोर्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑल ऑफेंसेस अंडर चैप्टर शैल बी ट्राइड बाई ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ए जुडिशरी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की, आइदर ए और बी की, नॉन ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे एमसीक्यू मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे करवाए हैं, आप जाकर देख सकते हो। ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो पेबल किया जाता ऑर्डर, इट इज़ अ नेगोशिएबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। थ्योरी भी अपलोड किया है नेगोशिएबल इंडोर्समेंट क्या होता है, कितने तरह के इंडोर्समेंट होते हैं, बाय द होल्डर, बाय इंडोर्समेंट, बाय डिलीवरी थेरेपी की, नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही, ठीक है।
इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल टू अ पीरियड ऑफ ग्रेस क्या मतलब होता है? बिल और नोट पेबल ऑन डिमांड, ए चेक या बिल या नोट इन विच नो टाइम इज मेंशन, ए बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? सेक्शन 15, 14, 13 ए की 13। तो किस में इसको डिफाइन किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेक्शन 13 में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, ठीक है, ये सारे एमसीक्यू थोड़े बहुत करा चुकी हूँ मैं, कुछ एमसीक्यू इसलिए उसको हटा रही हूँ। द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को क्या कहा जाता है? द ड्रॉई, पेई, ड्रॉयर की बैंकर। तो ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, चेक इज अ डैश ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट की नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर ए। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज? एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिटन में, साइन बाय द मेकर, कंटेन्स सर्टेन, हाँ, लेकिन इट कंटेन्स अ कंडीशनल ऑर्डर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। द डिफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 765 की 4। सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है, याद रखिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, 1881। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1st day of March 1882। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू कराया, आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट लगा, जो बचे हुए थे मैंने करा दिया है। कितनी पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? तो बी होती हैं, सॉरी थ्री होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। चलिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।